करीबन 7:30 बज रहे, तो 3 लोग आए हैं गन पॉइंट पे, कह रहे जी पैसे निकाल दो जो कुछ है। तो जो सेल वगैरह हमारी थी दुकान की वो ले गए, फायर वगैरह करते रहे, कोई इनके साथ न लगे। इजाज़त न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्यासी। गुजरात के इलाका लाला मूसा में होनी डकैती का वाकया पेश आया है, जहाँ पर मुसल्ला अफराद अब्बास मेडिकल स्टोर में घुस के और वहाँ पर लूटमार शुरू कर दी। वहाँ पर मौजूद अफराद को जरगमाल बनाने के बाद वहाँ से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। उन्होंने घबराहट में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 2 भाइयों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाका की नाकाबंदी कर दी। बताया गया है कि मुल्जमान की फायरिंग की जद में आकर अजान कुरैशी और उसका भाई शहरोज कुरैशी जो है सकना मेन बाजार लाला मूसा और इसके साथ साथ एक रेड़ी बांध जो है अली रजा अंसारी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने अस्पताल अजीज भट्टी दाखिल करा दिया है, जहां पर एक बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिला गुजरात में डकैती चोरी राजधानी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इस तरह मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तमाम डीपीओ गुजरात उमर सलाम की तरफ से मुख्तलिफ टीमें छापामार तश्कील दे दी गई हैं, जिन्हें मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। अल हिजाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।